बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइडबुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। सिवान में खुल गया वैसा रेस्टोरेंट और होटल जहां आप परिवार के साथ खाना खाइए और 10 ग्राम सोने की चेन, बाइक, टीवी ले जाइए। जी हां, सिवान शहर के सिवान ऑन द रोड में रामनगर के समीप खुल गया वृंदा क्लाइड हेरिटेज, जो क्लाइड होटल्स एंड रिसोर्ट की एक चेन है। 18 रूम, 16 डीलक्स रूम, 2 सुइट के साथ सिवान के इस बेहतरीन होटल में शानदार रेस्टोरेंट जहाँ आप परिवार के साथ आकर स्वादिष्ट टेस्टी व्यंजनों का उठा सकते हैं लुत्फ। बता दें कि क्लाइड होटल्स एंड रिसोर्ट के देश में 37 होटल हैं, जिसमें देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसी जगहों के बाद अब सिवान में भी इसके होटल खुल चुके हैं। क्लाइड होटल्स एंड रिसोर्ट के एचआर राकेश सिंह ने बताया कि ये होटल हमारे ग्रुप का 37वां होटल है। ये सिवान में ब्रांड होटल है। उन्होंने बताया कि स्पेशल रेस्टोरेंट है, जिसमें इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, अवधि और मुगलई खाना भी यहाँ मिलेगा। उन्होंने बताया कि हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए एक लकी ड्रॉ रखा गया, जो 24 अगस्त से शुरू होगा, दुर्गा पूजा तक चलेगा। इसमें प्रथम पुरस्कार के तौर पर सोने की चेन, सेकंड प्राइज एक टू व्हीलर और थर्ड प्राइज वॉशिंग मशीन के रूप में होगा। इसके साथ ही और भी बहुत सारे प्राइज होंगे, जो टेस्ट मेन्यू दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में मिलते हैं, वही टेस्ट वही मेन्यू अब सिवान में भी होगा। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने और कुछ क्या कहा। जो हमने सिवान में खोला है, इससे पहले जो 36वां होटल था वो भागलपुर में ओपन हुआ। अभी हमारा फोकस है कि हम बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन पे होटल्स लाएं। सारे होटल्स क्लाइड होटल्स एंड रिजॉर्ट के ब्रांड में ही आ रहे हैं। सिवान में अभी हमने पिछले महीने इस होटल को ओपन किया। अगर होटल की सुविधाओं की बात करेंगे, वृंदा क्लाइड हेरिटेज एक बिजनेस होटल है सर, एक कमर्शियल यूनिट है। और इसको डिज़ाइन करते समय हम लोगों ने जो बातें ध्यान में रखी हैं वो है कि जो यहाँ पे ट्रेवलर आते हैं, सिवान में जो आते हैं, ये बेसिकली कॉरपोरेट हैं जो अपने काम से सिवान में आते हैं, चाहे वो कहीं से भी आएँ, पटना से आएँ, दिल्ली से आएँ, मुंबई से आएँ, कहीं से भी आएँ, उनके ठहरने के लिए एक सूटेबल होटल हो जहाँ पे उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। दूसरा है जो सोशल एक्टिविटी होती है सिवान में, जैसे शादियाँ हुई, इंगेजमेंट हुआ, और इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत ही लेविश लग्जरी बैंक्वेट हॉल बनाया है सर, जिसकी कैपेसिटी है 50 लोगों से लेके हम 1500 तक के लोगों को वहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं। ये शादियों की बात हो रही है या इंगेजमेंट की बात हो रही है। उनको होटल की तरफ से मेन्यू दिया जाता है और अलग अलग रेट्स में वो उस मेन्यू को भी चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड है कि वो रेंटल पार्ट पे भी होटल के हॉल को वो ले सकते हैं जी। इस होटल में क्या कुछ और व्यवस्था है रेस्टोरेंट के अलावा? ये होटल के मेन ब्रांच कहाँ है? वृंदा क्लाइड हेरिटेज जो क्लाइड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का एक पार्ट है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, मयूर विहार में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है सर। और ये 37वां होटल है जैसा मैंने आपको बताया। और जो सुविधाएं हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो मैनेजमेंट क्लाइड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का यहाँ पे मैनेज करता है। और जितने भी फैसिलिटेशन है, जो भी फैसिलिटीज़ है, उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, ये सारी डिसीजन जो है मैनेजमेंट लेती है। सिवान एक छोटा शहर है, ऐसे में कैसे लोग प्राइस मैनेज कर पाएंगे? क्या प्राइस, क्या हिसाब किताब है उसका? सर प्राइस जो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो सिवान का जो मार्केट है, जो अवेलेबल कॉस्ट है यहाँ पे कि लोग कितना खर्च कर सकते हैं, एक बार एक फैमिली जाता है वो कितना एक्सपेंड कर सकता है एक रेस्टोरेंट पे, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मेन्यू को डिज़ाइन किया है। और साथ ही साथ ये भी हमारे विचार में रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव, जो दूसरे होटल्स के जो मेन्यू हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ मिल के, उनके साथ उनके सेम सेगमेंट को देखते हुए सेम चीज़ें हमने रेट वाइज। पहली बार सिवान में देखने को मिला है कि आप लोग होटल खोलने के साथ ही साथ रेस्टोरेंट पे कुछ ऑफर भी लेकर आए हो, जो कि पहले कभी इस तरह के रेस्टोरेंट में नहीं दिखा था। क्या ऑफर है? जी सर, मैं बताना चाहूँगा, दशहरा का शुभ अवसर आ रहा है और अभी हम लोग को होटल को ओपन हुए करीब 1.5 महीने हो रहे हैं। दशहरा के शुभ अवसर पर हमने एक बहुत ही अच्छा प्लान किया है यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए। हमारा जो रेस्टोरेंट है
उसका नाम है वृंदा अवध रेस्टोरेंट। ये बेसिकली मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ खाना मिलता है, और साथ ही साथ जो इसकी स्पेशलिटी है वो अवधी कुजीन और लखनवी कुजीन को मिला के है, जिसे हम बेसिकली अवधी कुजीन के ही नाम से जानते हैं वो है। हमने एक लकी ड्रॉ का आयोजन हम करने जा रहे हैं, ये दशहरा के समय होगा। जितने भी लोग यहाँ पे डाइनिंग के लिए आएंगे, खाने के लिए आएंगे, ये ड्रॉ उन्हीं के बीच में से हम ड्रॉ करेंगे। अगर जो लकी ड्रॉ होगा दुर्गा पूजा के समय, तो उसको क्या कुछ मिलने वाला है लकी ड्रॉ में? सर, ये जो लकी ड्रॉ का जो हमारा आयोजन होने वाला है दशहरा के समय, जो हम ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ के लोकल जितने भी हमारे निवासी हैं वो यहाँ पे खाना खाने आए, उन्हीं के बीच में से हम इसे चूज़ करेंगे। और ये 24 तारीख यानी कल से ये ऑफर शुरू हो चुका होगा। उनका कूपन या टोकन मिलेगा क्या? सर, वो जो उनके जो बिलिंग जो रिसिप्ट होती है वो ही हमारे पास कलेक्शन होगी, हम उसी में से चूज़ करेंगे। क्या क्या मिलेगा उनको? सर, मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ के जो हमारे लोकल निवासी हैं सर, और स्पेशली महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही अच्छा एक प्राइस सेगमेंट रखा है। सोने की चेन, ये पहला प्राइज होगा लकी ड्रॉ में सर, और ये महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सोने की चेन हम लोगों ने रखा है। वर्ष बता दीजिए। जी सर, उस बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और दूसरा जो प्राइज है ये है टू व्हीलर बाइक है, और तीसरा सर अगेन मैं कहना चाहूँगा महिलाओं की ही ज़रूरतों को रखते हुए वॉशिंग मशीन। इसके अलावा बाकी 7 और प्राइजेज हैं वो भी वहाँ पर रहेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग। सेकेंड बाइक एंड थर्ड वॉशिंग मशीन, बाकी और 7 लोग को दिया जाएगा, 10 लोगों को पूरा दिया जाएगा सर। जी सर, इवेंट के लिए सर क्या व्यवस्था है? अगर शादी को किसी इवेंट करना हो तो प्राइस क्या, जैसे इंगेजमेंट करना हो, 100 लोग का गैदरिंग होगा, तो लोग कितना में कर सकते हैं इसको बुक? सर, अगर वो इवेंट कोई करना चाहते हैं, चाहे वो शादी हो, इंगेजमेंट हो, इस तरह का अगर वो इवेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक रेट्स हैं। शुरुआत कितना? पर प्लेट रेट्स है। शुरुआत जो वेज हमारा जो मेन्यू जाता है ये 850 रुपये प्लस टैक्सेस का मेन्यू है। ये शुरुआती मेन्यू है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड देते हैं, बुफे सेटअप होगा उसके लिए। डिमांड होगा उस हिसाब से देंगे? जैसे डिमांड होगा उस हिसाब से होगा। ये चीज़ कोई सिर्फ होटल बुक करना चाहता हो और खाना खुद से बनाना चाहता हो सर, वो भी हम कर सकते हैं। होटल बुक करेंगे वो भी हम कर सकते हैं सर। काफ़ी जेन्युइन रेट है। मैं स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर रेट के बारे में मैं अभी आपको क्या बताऊं, लेकिन कॉम्पिटिटिव रेट है, बहुत ही जेन्युइन रेट है। जो जितने भी हमारे लोग हैं, शहर के लोग हैं, ये उनके पॉकेट को अलाउ करेगा। ये कहाँ पे खुला है, लोग कैसे जानेंगे? सर, ये हमारा स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, आंदर रोड है, रशीद चौक पे ही ये होटल खुला है। रशीद चौक सर, एक बार मैं ये जरूर कहना चाहूँगा सिवान के लोगों से कि ये एक पहला ब्रांड होटल है जो सिवान में ओपन हुआ है। ब्रांड होटल का मतलब होता है कि जब भी कोई होटल किसी शहर में आता है ब्रांड के साथ, तो उसके साथ कुछ सुविधाएं आती हैं साथ में। कुछ कॉर्पोरेट, जैसे हम लोगों ने जो होटल डिज़ाइन किया है कॉर्पोरेट्स के लोगों को लेके किया है डिज़ाइन, यहाँ के सोशल एक्टिविटी को ध्यान में रख के किया है, वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे एडिशन किया है। जैसे 24 आवर वाईफाई है, बिजनेस रूम है, बिजनेस बोर्ड रूम फैसिलिटीज़ है, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ है, एक कंप्लीट हाईटेक बैंक्वेट हॉल है हमारे पास। इसके अलावा 18 कमरे हैं हमारे पास विद कैटेगरी, 2 कैटेगरी के साथ है, एक डिलक्स कैटेगरी है जो बेस कैटेगरी है और स्वीट है। इवेंट के डिमांड के हिसाब से लोग को पूरा किया जाएगा? जी सर, निश्चित तौर पे हम इवेंट के डिमांड के हिसाब से खाने का जो टेस्ट टेक्सचर जो होता है वो उस चीज़ को हम मीट करेंगे। खाने के टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर, इसके बारे में बेहतर आपको हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं मिस्टर प्रेम, शेफ प्रेम, वो आपको कुछ बताएंगे। दूर से चलकर आपके पास आए सर, स्पेशल हम लोग यही है कि अवधी और मुगलाई के बारे में, मुगलाई फूड है। क्या है मुगलाई? मुगलाई में जैसे हो गया बिरयानी हो गया, उसके बाद चाप हो गया, चपली कबाब हो गया, और आपका भेज और नॉन भेज में कितने भेज और आइटम है आपके पास? सारे मिक्स मेनू है इसमें, भेज नॉन वेज सब मिला करके। क्या खास क्या है स्पेशल? स्पेशल इसमें आपका मटन है, मटन रोगन जूस, मटन हंडी,
उसके बाद आपका लाल मांस कबाब में हो गया, चबली कबाब, रेशमी कबाब, मलाई टिक्का और अफगानी कबाब। मार्केट की अपेक्षा इसकी रेट क्या होगी? रेट रेट के बारे में यहाँ का रेट देखते हुए डिमांड के हिसाब से सारे रेट रखा हुआ है यहाँ। भेज में कितने प्रकार के आइटम रहेंगे? भेज में वही आपका सारे मिला करके हैं, वेज नॉन वेज सारे मिक्स हैं इसमें। कुछ स्पेशल? स्पेशल नॉन वेज ही है हम लोग का। स्पेशल आपका ये मटन हो गया, उसके बाद अफगानी कबाब हो गया, टंगरी कबाब, ये सब। ठीक, अपना थोड़ा एक बार परिचय बता दीजिए, आप किस डेजिग्नेशन पे हैं, क्या करते हैं यहाँ इस होटल से, कैसे जुड़े हुए हैं? मेरा नाम शेफ प्रेम यलमू है, मेरा डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव है।